लाइव आने में नेट यहाँ थोड़ा सा जो है स्लो चल रहा है, आप जानते ही हो, इसलिए लाइव क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। चलिए, कल चार क्वेश्चन तक बता दिया गया था, आज चौथा क्वेश्चन पुनः स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं चौथा क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं। कह रहा है कि 2+2 का आव्यूह बनाना है आपको। 2+2 का एक आव्यूह बनाना है जिसमें ए आई जे निम्नलिखित प्रकार से पतत हो, तो उस 2+2 का आव्यूह किस प्रकार से होगा। अब आप जानते हो कि 2+2 का जो आव्यूह होता है, a11, a12, a21 और a22, इसमें चार अवयव होंगे 2+2 में। तो अब हम क्या करेंगे, चलिएगा हम ज्ञात करते हैं a11, सारे मान ज्ञात करके और इसमें पुट कर देते हैं। a11 क्या होगा? अब a11 ए आई जी, तो वन के स्थान आई के स्थान पर वन है और जे के स्थान पर भी क्या है, वन है। और कह रहा है कि आई प्लस जे और वाई टू, आई प्लस जे, हाँ आई प्लस जे का होल स्क्वायर है और वाई टू है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और रख लेते हैं कि आई के स्थान पर क्या रखते हैं हम लोग, वन, प्लस जे के स्थान पर क्या रखते हैं, वन का होल स्क्वायर और वाई क्या है, टू है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है ना। हाँ चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, चलेगा। आई देखिए, 1+1 और बाई टू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, आप चलेगा, 1 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा, 2, और 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और बाई टू करके कितना आ जाएगा, 2 आपका आ जाएगा। चलेगा a12 आपका याद करते हैं, a12 क्या हो जाएगा, आई के स्थान पर क्या है आपका, 1, और जे के स्थान पर आपका क्या है, जे 2, और उसका होल स्क्वायर बाई 2, 2 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा, 3, और 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 बाई 2। अब आपका a21 i के स्थान पर क्या है, 2 है, और j के स्थान पर क्या है, 1 है, और इसका होल स्क्वायर ऑफ बाई 2, 2 1 कम 2 और प्लस 1 3, और 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और बाई कितना हो जाएगा, 2। अब आपको क्या ज्ञात करना है, a22। ठीक, a22 क्या करना है, तो i के स्थान पर भी 2 है और j के स्थान पर भी आपका 2 है, और इसका क्या आपका होल स्क्वायर और बाई 2, तो 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4, और 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, और फिर 16, और बाई 2 करके कितना आ गया आपका, 1। अब आप क्या करोगे, 2+2 का आव्यूह की रचना करनी है, तो 2+2 की आव्यूह की रचना करनी है, तो चलेगा a11 आपको कितना मिला है, 2 मिला है, a12 आपका कितना मिला है, 9/2 मिला है, a12 आपका 9/2 मिला है, a21 कितना मिला है, 9/2 मिला है, और a22 कितना मिल गया आपका, 8 मिल गया। और यही हमारा क्या रहा, 2+2 की एक आव्यूह रही, ठीक है, जिसका ए आई से निम्नलिखित प्रकार से पद्धत है। अब आप क्या करोगे, इसका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लगा लोगे आसानी से, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दिया। चलिए देखते हैं छठवा क्वेश्चन, पांचवा आपका वही है। पांचवा आपका कह रहा है कि एक 3+4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके निम्नलिखित प्रकार से पद्धत है। तो आप आसानी से 3+4 का आव्यूह की रचना कर लीजिएगा। 3+4 आप जानते ही हो, जिसमें पंक्तियां कितनी हो जाएंगी, 3 पंक्ति हो जाएंगी, और स्तंभ आपके कितने हो जाएंगे, 4, इसमें आपके क्या हो जाएंगे, स्तंभ हो जाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 स्तंभ हो जाएंगे, और ये आपका 3+4 का क्या हो जाएगा, आप ही हो जाएगा, a11 a12 a 3 a14 a21 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4, और 3 3, और 3 4 आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद से आपका जैसे कह रहा है, ठीक, 1/2 मॉड में -3i+j, वैसे आपका कर लीजिए, उसको लगा लीजिएगा। चलिए ना छठा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक आव्यूह a है, वो आव्यूह b के बराबर है, तो निम्नलिखित में x, y और z का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। आपको बताया गया है कि जब a = b होता है, जब आव्यूह a और आव्यूह b के बराबर होगा, ठीक है, कोई मैट्रिक्स a है, ठीक है, तो मैट्रिक्स b के अगर बराबर होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जो कोई मैट्रिक्स ए आपका मैट्रिक्स बी के अगर बराबर होता है, ठीक है, a = b होता है, तो वहां आप जानते हो कि उसके सारे एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई और जेड का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिएगा, इस वाई के स्थान पर यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ जेड के स्थान पर क्या है, जेड के स्थान पर यहाँ क्या है, तो 3 है, तो अब z = क्या हो जाएगा, 3, और x के स्थान पर यहाँ क्या है, x = आपका वर्ग, और ये आपका है सॉल्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ठीक,
चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इसका दूसरा दूसरा आप आसानी से इसका लगा लेंगे, तीसरा भी आप आसानी से इसका लगा लेंगे। चलेगा सातवा क्वेश्चन में देखता हूँ, सातवा देखता हूँ। कह रहा है कि समीकरण नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, पुनः उसका एक वीडियो बना दिया जाएगा। कह रहा है कि समीकरण ए माइनस बी और टू ए प्लस सी, और क्या कह रहा है आपका, टू ए माइनस बी और आपका कह रहा है कि थ्री सी प्लस डी, ये किसके बराबर है, इसका टू है माइनस वन फाइव जीरो और थर्टीन, नहीं आ रहा है। चलिए यहां सॉल्व करते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन आपका ये रहा, अल्फा हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी कह रहा है कि आप यू ए आप यू बी के बराबर है, तो इसमें क्या करना है आपका, ए बी सी और डी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। टू ए प्लस सी है, ये ए है, ठीक है, टू ए प्लस सी है, ए माइनस बी है, देख लेते हैं क्वेश्चन, थ्री सी प्लस डी, ठीक है, चलेगा। अब इसमें भी आपको ए बी और सी के क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, टू माइनस वन के बराबर हो जाएगा। समीकरण में क्या मान लीजिए, वन मान लीजिए। टू ए माइनस बी किसके बराबर होगा भाई, तो टू ए माइनस बी इसका टू जीरो, समीकरण नंबर टू चलेगा। टू ए प्लस सी तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फाइव के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर थ्री। और आपका थ्री सी प्लस डी इसका टू किसका हो जाएगा, थर्टीन, और ये रहा आपका समीकरण नंबर फोर। अब आप क्या करोगे, समीकरण वन और टू को सॉल्व कीजिए, ए का मान ज्ञात कर लीजिए, और उस ए का मान हम क्या करेंगे, थ्री में रखेंगे तो सी का मान ज्ञात हो जाएगा, और सी का मान हम फोर में रखेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, डी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि समीकरण दो में से एक को घटाने पर समीकरण टू माइनस वन चलेगा। टू में से हम क्या करते हैं, वन को घटाते हैं, तो चलिए समीकरण टू में से हम वन को घटाते हैं, टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ है ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, तो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस, बी से भी कट जाएगा, टू ए में से जाएगा कितना, ए, और ए इक्वल टू यहाँ क्या मिल गया आपको, प्लस वन, ए का मान मिल गया। अब ए का मान हम क्या रख लेते हैं, समीकरण नंबर दो में रख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि ए का मान जरा ना, ए का मान चलेगा। अब यहाँ सवाल करते हैं कि ए का मान क्या करते हैं हम लोग, ए का मान किस में रखा जाए, हाँ तो ए का मान समीकरण दो में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए का मान दो में, तो टू इंटू वन और माइनस टू इजकल टू जीरो, तो टू वन टू माइनस टू इजकल टू जीरो, तो टू इजकल टू कितना आ जाएगा, बी, अर्थात बी का मान बी इजकल टू, हम क्या कह सकते हैं, टू मिल गया हमको। ए का मान हमें क्या मिला था, वन मिला था। अब हम क्या करेंगे, बी का मान किस में पुट कर सकते हैं, बी का मान हम क्या करें कि चलेगा, अब ए का मान हम इसमें पुट करते हैं तो सी का मान मिल जाएगा, चलेगा। अब पुनः कहते हैं कि ए का मान, ए का मान, ए का मान किसमें रखा गया भाई, यहाँ ए का मान चलेगा। अब ए का मान क्या करते हैं हम लोग, ए का मान किसमें रख लेते हैं भाई, ए का मान हम किसमें रख लेते हैं, थ्री में रख लेते हैं, तो यहाँ सी का मान मिल जाएगा ना, तो चलेगा। ए का मान समीकरण थ्री में रखने रखने रखेगा, चलेगा। ए का मान समीकरण तीन में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण तीन हमारा क्या है, तो टू ए प्लस सी इजकल टू फाइव है, आ रहा है ना, टू ए प्लस सी, तो टू इंटू वन प्लस सी इजकल टू फाइव, तो क्या हो जाएगा, सी इजकल टू फाइव माइनस टू, तो सी इजकल टू कितना आ जाएगा आपका, थ्री। चलिए सी का मान मिल गया, अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, डी का, तो सी का मान किस में रख लिया जाए, समीकरण नंबर फोर में, तो यहां लिख लिया जाए कि सी का मान यहां आएगा, चलेगा। अब सी का मान क्या रखते हैं, सी का मान, सी का मान कहां रख लेते हैं हम लोग, तो सी का मान रख लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर चार में, समीकरण नंबर चार क्या है, सी का मान चार में रखने, हाँ रखने पर, चलेगा रखिएगा, तो सी सी का मान कितना है, थ्री है, तो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री और प्लस डी इजकल टू कितना दिया है भाई, थर्टीन दिया है, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइड थ्री थ्री जाना है, तो डी इजकल टू क्या हो जाएगा, डी इजकल टू।